बच्चे जब मर जाते हैं, जो नाबालिग बच्चे होते हैं, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही मर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पैदा जब होते हैं ना तो पैदा होने से पहले ही वो मरा हुआ ही पैदा होते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे उसकी उम्र 8 साल, 9 साल, 10 साल हो जाती है, तो बालिग होने से पहले जो बच्चे मर जाते हैं तो उसकी रूहें अल्लाह तबारक व तआला कहाँ रखता है, और मरने के बाद उन लोगों के साथ क्या मामला होता है, क्या अंजाम होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मरने के बाद कब्र में दो फरिश्ते आते हैं, सवाल जवाब होता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान का जैसा अमल होता है दुनिया में, जो अमाल वो किए होते हैं उसी हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला उसको जजा अता फरमाता है। अगर कोई गुनाहगार है तो फिर उसे अल्लाह कहता है फरिश्तों से कि इसे जहन्नम की आग दिखा दी जाए, और तरह तरह के जो अजाबात हैं वो कब्र ही में मुसल्लत कर दिए जाते हैं, और जो नेकोकार है अल्लाह तबारक व तआला उसे खुशखबरी सुना देता है कि इसे जन्नत का बिछौना बिछा दो, और इसे कहो कि तुम इस तरीके से सो जाओ जिस तरीके से दुल्हन पहली रात को सो जाती है, जिस तरीके से दुल्हन दिन भर थकी होती है तो रात को वो आराम से सो जाती है, उसे कोई खबर नहीं कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो ठीक इसी तरीके से फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि आप उस तरीके से सो जाओ जिस तरीके से दुल्हन पहली रात को सो जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे इंतकाल कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसकी रूहें कहाँ होती है और उन लोगों के साथ क्या मामला होता है, ये तो बड़े लोगों का मामला है जो बालिग है, बालिग लोगों का मामला है, चाहे मर्द हो या औरत हो या बूढ़ा हो या बूढ़ी, कोई भी जब मरता है तो मरने के बाद उसके साथ हिसाब किताब वहां पर होता है सभी के साथ, लेकिन बच्चों के साथ क्या होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे जब मर जाते हैं तो उसके माँ बाप बिल्कुल धाड़े मार मार कर रोते हैं और कहते हैं कि अब क्या होगा उसका, अब क्या होगा, वो तो ऐसा था वैसा, तो ये सारी चीजें, और रोना भी चाहिए क्योंकि किसी भी आदमी का जब अपना खो जाता है तो दर हकीकत आदमी जितनी भी कोशिश करे बर्दाश्त करने की लेकिन बर्दाश्त नहीं होता है, आंखों से आंसू आ ही जाते हैं, क्योंकि जिसके गैर मरते हैं उसे क्या खबर है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तकलीफ किसको कहते हैं, लेकिन जिसका अपना जाता है वो भी अपना बेटा या बेटी जब इंतकाल कर जाए भी छोटी सी उम्र में, तो बड़ा अजीब मामला होता है यार। उस वक्त जो माँ और बाप जो सब्र करते हैं तो ये उस वक्त का जो दर्द होता है वो माँ बाप ही जानते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है, देखिए बच्चे जो मर जाते हैं यानी कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं जो मर जाते हैं, तो सबसे पहली बात आप ये जान लें कि नाबालिग बच्चे वो अगर कोई काम ऐसा करे, क्योंकि उनकी अकले और सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो ज्यादा होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि गुनाह के काम उतना करते रहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मसलन जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वो गाली वगैरह भी सीख लेते हैं, गाली वगैरह भी बकते हैं, लेकिन दर हकीकत उस बच्चे को ये मालूम नहीं होता है कि ये गाली है, उसे ये पता ही नहीं होता कि ये गाली है और लोग इसको गाली में शुमार करते हैं, उसे पता नहीं होता। दर हकीकत वो अपने घर वालों से या किसी से सुन लेते हैं तो उसको वो याद कर लेते हैं, अगर गाली की जगह अगर आप उसे किसी और चीज भी सिखा दें तो फिर वो उसी चीज को कहेगा, उसे पता ही नहीं होता कि ये गाली है कि क्या है, तो दर हकीकत उसका गुनाह भी उसको नहीं होता। लेकिन बच्चों को ये चीज ना सिखाई जाए, और जहां बच्चे हो वहां पर अपने आप को सब्र करें कि गाली ना बके, क्योंकि गाली बकना, गाली अगर आप एक गाली बकते हैं तो हजरत अली फरमाते हैं कि कब्र में आपके लिए एक बिच्छू तैयार कर दिया जाता है, और ऐसा बिच्छू तैयार किया जाता है, एक ऐसा बिच्छू पैदा कर दिया जाता है कि वो बिच्छू अगर किसी एक इंसान को डस ले और डसने के बाद उसकी जो लहर होगी, उसकी जो तकलीफें होंगी, पूरी दुनिया के लोग मिलकर अगर बर्दाश्त करें तो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप समझे। आप अगर दिन भर में 10 मरतबा गाली बकते हैं, 40 मरतबा गाली बकते हैं, तो आप इसी में अंदाजा लगा लें कि कब्र में आपके लिए कितने बिच्छू तैयार हो रहे हैं। तो बच्चे जब इंतकाल कर जाते हैं तो उन लोगों के साथ हिसाब किताब नहीं होता है, तो बच्चों का जो मामला होता है, बच्चों के रूहें जो रहती है वो एक अलग जगह है, वहां सिर्फ बच्चे होते हैं और बच्चे वहां पर खेलते रहते हैं, जब तक आदमी जिंदा होता है सारी चीजों से याद रहता है और सारी चीजें वो सोचता है कि ये करेंगे कि वो करेंगे, इस तरीके का मामला होता है, लेकिन मरने के बाद वो दुनिया की सारी चीजें भूल जाता है, सारी चीजें भूल जाता है, अब वहां की फिक्र होती है कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, इस तरीके का मामला होता है। और अगर दुनिया की कुछ चीजें याद भी आए तब भी वो इसकी फिक्र नहीं करता है, बल्कि वहां पर जो हो रहा है उससे बचने की फिक्र करता है। तो बच्चों के साथ मामला होता यह है कि उन लोगों के साथ कोई अजाब नहीं हो रहा होता है, और तो बच्चों के लिए अलग से अल्लाह तबारक व तआला उसकी रूहें एक जगह रहती है, वो एक बाग है, वहां पर लोग खेलते रहते हैं, उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती है और ना ही उसे कोई याद आता है, वहां पर खेलते रहते हैं। और माँ बाप जो सोचते हैं ना कि आप क्या होगा कि ऐसा होगा कि वैसा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक खुशी की बात यह है कि अगर नाबालिग बच्चे कोई इंतकाल कर जाते हैं
तो अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन उसके माँ बाप की बख्शिश का जरिया उस बच्चे को बनाता है। यानी कि अगर किसी का नाबालिग बच्चा इंतकाल कर गया, मसलन जैसे 4 साल या 5 साल या 2 साल या 1 साल, तो मरने के बाद क्या होगा कि जब कयामत का वक्त होगा, तो जब सभी का हिसाब किताब होगा, तो उस वक्त वो बच्चा अपने माँ बाप की बख्शिश कराएगा, माँ बाप की बख्शिश का जरिया बनेगा। तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे वहां बहुत आराम से रहते हैं, खेलते रहते हैं, और उन लोगों पर कोई अजाब नहीं होता जो नाबालिग बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोगों में जरूर शेयर कर दें, ताकि इस तरीके के जो लोग सोचकर परेशान होते हैं उनकी परेशानी दूर हो जाए इस वीडियो को देखकर, और वो समझ जाए कि क्या मामला होता है और क्या नहीं होता है। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर जरूर बताएं।